Hello everyone, welcome to my YouTube channel Classes with Poonam. Today we are going to learn about pronoun. What is pronoun? A pronoun is a word which is used in the place of a noun. Pronoun वो word है जो noun के place पे use किए जाते हैं. Now what is noun? Noun क्या होते हैं? Noun is a naming word. Means name, किसी भी चीज़ का जो name है. So name के place पर जो word use किए जाते हैं उन्हें pronoun कहा जाता है. अब हम किसी name के place पर किसी word को क्यों use करते हैं? Because it helps to avoid unnecessary repetition. Suppose हम किसी से बातें कर रहे हैं और अगर बार बार हम उसका name ले रहे हैं तो वो That doesn't look nice. So ये जो unnecessary repetition होती है उसको avoid करने के लिए हम कुछ words का use करते हैं that are called pronouns. Pronouns जो है हमारी language को भी beautify करते हैं. किस तरह से करते हैं देखिए ये example. इस example की help से हम समझते हैं कि Mohan is a good boy. Mohan loves to study. Mohan is good at sports. Suppose चलिए Mohan के बारे में कुछ और sentences में बोल देती हूँ. Mohan's father is a doctor. Mohan's mother is a doctor. Mohan's love to skating also. Mohan is having four siblings. So again and again I'm using Mohan. And it doesn't look nice. वो अच्छा भी नहीं लग रहा है. So यहाँ पर हम Mohan के place पे क्या use कर सकते हैं? ही को यूज़ कर सकते हैं. और ही को जब हम यूज़ करेंगे तो बार बार हम जो ये मोहन वर्ड को यूज़ कर रहे हैं उसके रिपीटेशन को अवॉइड कर सकते हैं. चलिए दोबारा से इसी एग्जांपल को देख लेते हैं. जब हमने मोहन के प्लेस पे ही को यूज़ किया है, सी मोहन ही इज़ अ गुड बॉय, ही लव्स टू स्टडी, ही इज़ गुड एट स्पोर्ट्स. सो यहाँ पर ही को जब हमने यूज़ किया इससे क्या हुआ, एक तो हमारी जो मोहन की रिपीटेशन है उसको हमने अवॉइड किया, दूसरा जो है इसने हमारी लैंग्वेज को भी ब्यूटिफाई किया. चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं इसका आपको देती हूँ. सपोज आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यूअर आपसे आपका नेम पूछता है और दूसरे आपके और भी कुछ क्वेश्चंस पूछता है. सबसे पहले आपका नेम पूछता है तो सपोज आप नेम बताते हैं कि माय नेम इज़ राम. ओके, राम नेम बताने के बाद इंटरव्यूअर आपसे पूछता है ओके राम टेल मी अबाउट योर फैमिली. राम व्हाट इज़ योर फादर. राम व्हाट इज़ योर मदर. राम वेयर डू यू लिव. राम व्हाट इज़ योर हॉबी. राम हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू. सो राम 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 अगेन एंड अगेन इंटरव्यूअर जब राम राम वर्ड यूज़ करता है तो इट डजेंट लुक नाइस, वो अच्छा नहीं लग रहा है. सो इसी रिपीटेशन को अवॉइड करके अगर वो राम के प्लेस पर किसी दूसरे वर्ड को यूज करता है, यू को यूज करता है ओके राम टेल मी अबाउट योर फैमिली. व्हाट इज योर मदर. व्हाट इज योर फादर. व्हाट इज योर हॉबी. वेयर डू यू लिव. सो ये जो है यहाँ पर यू वर्ड को जब उसने यूज किया तो ये लैंग्वेज को ब्यूटिफाई कर रहा है और राम की जो अननेसेसरी रिपीटेशन है उसको भी अवॉइड कर रहा है. सो प्रोनाउन सिर्फ ग्रामर में ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमारी डेली लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है. जब भी हमें अपने लैंग्वेज को ब्यूटिफाई करके बोलना होता है, एक बहुत ही अच्छे तरीके से बातें करनी होती है, तो हमें जो है इन वर्ड्स को यूज़ करना होता है. गॉट इट. नेक्स्ट अबाउट द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. देर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. सो दीज आर द 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन. सबसे पहले हम उसके नेम के बारे में डिस्कस करते हैं कि वाई इट इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. उसको पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहा जाता है? अगर हम ए एल को कट कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है? पर्सन बचता है. सो ये जो प्रोनाउन्स हैं वो किसी पर्सन के नेम के प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए इनको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है. पर्सनल प्रोनाउन्स आर यूज एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ पर्सन्स नेम. पर्सनल प्रोनाउन जो है किसी पर्सन के नेम के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि उसके प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं. पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर 3 पर्सन्स. पर्सनल प्रोनाउन जो है 3 पर्सन्स के लिए स्टैंड करता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. हु इज़ फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन इज स्पीकर. जो भी बातें करता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो भी बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है. अभी कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ. और फर्स्ट पर्सन के लिए हम किन प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं? आई, मी, वी, आर, अस. दीज आर द प्रोनाउंस विच वी यूज फॉर फर्स्ट पर्सन. सेकेंड पर्सन, हु इज सेकेंड पर्सन? लिसनर. जो भी सुनता है वो सेकेंड पर्सन होता है. अभी कौन सुन रहा है? आप मुझे सुन रहे हैं तो आप सेकेंड पर्सन हैं. और सेकेंड पर्सन के लिए हम यू प्रोनाउन का यूज करते हैं. थर्ड पर्सन, जिसके बारे में फर्स्ट और सेकेंड पर्सन बातें कर रहे होते हैं वो थर्ड पर्सन होता है. सपोज हम बातें कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, दैट नरेंद्र नाथ मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. किसके बारे में? प्राइम मिनिस्टर के बारे में, मोदी के बारे में हम बातें कर रहे हैं. तो मोदी यहाँ पर थर्ड पर्सन है ओके. और थर्ड पर्सन के लिए हम किन प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं? ही, शी, इट,
दे देम हिम हर इनके लिए जो है ये जो है थर्ड पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग अबाउट द पर्सन. स्पीकर इज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन इज लिसनर एंड थर्ड पर्सन अबाउट होम फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन आर टॉकिंग. ओके, अब इनके यूजेस के बारे में बातें कर लेते हैं कि जब भी हम इनका यूज़ करते हैं, सपोज किसी एक सेंटेंस में तीनों पर्सन का हम यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम सेकेंड पर्सन को यूज़ करेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन को यूज़ करेंगे और लास्ट में हम फर्स्ट पर्सन का यूज़ करेंगे. ओके, सी यू शी एंड आई वेंट टू सी अ मूवी. यू सेकेंड पर्सन है, शी थर्ड पर्सन है एंड आई फर्स्ट पर्सन है. ओके, सो जब भी हम इनका यूज़ करते हैं तो इसी सीक्वेंस में करेंगे, सबसे पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट. सपोज टू पर्सन आते हैं, थर्ड और फर्स्ट आता है, थर्ड और फर्स्ट आता है तो पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन. सपोज सेकंड और थर्ड आता है तो पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन. सपोज फर्स्ट और सेकंड आता है तो पहले सेकंड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, बट सीक्वेंस यही रहेगी, सेकंड थर्ड एंड 1 to 31 जब भी हम इन पर्सन्स का यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में. अगर अकेले अकेले हैं तो वो कहीं पर भी यूज़ होंगे. ओके, एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जिस तरह से उसका फंक्शन होता है उसी तरीके से यूज़ किए जाते हैं जाएंगे. अब पर्सनल प्रोनाउंस को यू हम जो है किसी पीपल के नेम के प्लेस पर भी करते हैं और कई बार थिंग्स और एनिमल्स के नेम के प्लेस पर भी करते हैं. ओके, जब हम पर्सन्स के लिए उनको यूज़ करते हैं तो कौन से प्रोनाउन यूज़ होंगे? आई, यू, ही, शी, वी, दे, मी, हिम, हर, अस, देम. और जब एनिमल्स और थिंग्स के लिए करेंगे तो इट, दे, देम. सिंगुलर है तो इट और प्लूरल है तो दे और देम का यूज़ करते हैं. ओके, सो दिस वन इज पर्सनल प्रोनाउन. अगेन आई एम रिपीट, पर्सनल प्रोनाउन किसी पर्सन के नेम के प्लेस पर यूज़ किया जाता है. इसको थ्री पर्सन में स्टैंड किया जाता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और इनकी सिक्वेंस होती है सेकेंड, थर्ड और वन. फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकेंड पर्सन लिसनर और थर्ड पर्सन अदर पर्सन, यानी जिसके बारे में फर्स्ट और सेकेंड पर्सन बातें कर रहे होते हैं. गॉट इट? नेक्स्ट वन इज पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेशन यानी कि ओनरशिप, यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो ओनरशिप और बिलोंगिंगनेस को शो करते हैं. ऐसे प्रोनाउन जो किसको शो करते हैं? ओनरशिप और पोजेशंस को, बिलोंगिंगनेस को शो करते हैं. सपोज यू आर हैविंग अ बाइसिकल और अ स्कूटी, सो यू आर द ओनर ऑफ दैट बाइसिकल और स्कूटी. आप जो उस बाइसिकल और स्कूटी के ओनर हैं, और उस ओनरशिप को, उस बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए आप जिन वर्ड्स का यूज़ करेंगे वो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं. दे इंडिकेट्स दैट समथिंग बिलोंग्स टू समबडी और समथिंग. वो क्या इंडिकेट्स करते हैं? कि कोई चीज़ किसी पर्सन या किसी दूसरी चीज़ से बिलोंग करती है. अब पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स एंड देयर्स. अगर कोई चीज़ मुझसे बिलोंग कर रही है तो माइन, आपसे बिलोंग कर रही है तो योर्स, किसी बॉय से बिलोंग कर रही है तो हिज, किसी गर्ल से बिलोंग कर रही है हर्स, हम सब से बिलोंग कर रही है आर्स, और उन सब से बिलोंग कर रही है देयर्स. सी दिस एग्जांपल, द प्राइज विल बी हिज. ये प्राइज विल बी हिज किससे बिलोंग कर रहा है? किसी बॉय से बिलोंग कर रहा है ये प्राइज. ओके, इज दैट कैट योर्स? क्या ये कैट आपसे बिलोंग करती है? योर्स. गॉट इट? सो दीज आर पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव प्रोनाउन बिलोंगिंगनेस और ओनरशिप को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेट, उसके नेम से ही समझते हैं, डेमोन्स्ट्रेट. डेमोन्स्ट्रेट मीन्स पॉइंट आउट करना, इशारा करना. सो ऐसे वर्ड्स जो पॉइंट आउट और इशारा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं दैट आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट पीपल और ऑब्जेक्ट. दे इंक्लूड दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द वन. यही सिर्फ 6 वर्ड हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए. सबसे पहले हम दिस, दैट, दिस, दोज के फंक्शंस को समझते हैं. दिस, दैट आर यूज्ड विद सिंगुलर एंड दैट आर, दैट, दिस एंड दोज आर यूज्ड फॉर प्लूरल. ओके, एक दूसरे वे से भी इनका समझना है हमें. दिस और दीज उन पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं जो हमारे पास होते हैं. दैट एंड दोज जो हमसे दूर होते हैं. अब सच, सच के बारे में समझते हैं. सच का यूज़ जो है टाइप बताने के लिए किया जाता है. सच टाइप ऑफ मैन, सच टाइप ऑफ पर्सन्स, सच टाइप ऑफ एनिमल, यानी कि इस तरह के लोग, इस तरह के एनिमल्स. सो टाइप बताने के लिए सच का यूज़ किया जाता है. द वन, द वन का यूज़ जो है किसके लिए किया जाता है? ये वाला, वो वाला. आई लाइक द ग्रीन वन, आई लाइक द ब्लू वन, आई सो द वन मैन. ओके, दैट वन मैन. ओके, सो ये
वाला, वो वाला, वो पर्सन है, वो प्लेस है, वो थिंग है, वो कलर है, ये चीज़ें बताने के लिए द का यूज़ किया जाता है। वैसे मेन तो फोर, ये फोर ही होते हैं, दिस दैट दिस दोस्त, सच और द वन को तो आप कई बुक्स में इंक्लूड भी नहीं देखेंगे। मेन कितने होते हैं, ये फोर ही होते हैं। ओके, सी दिस एग्जाम्पल, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम हर। दिस गिफ्ट सिंगुलर है और हमारे पास है, तो दिस का। सच मैन आर डेंजरस, इस तरह के लोग डेंजरस, खतरनाक होते हैं। तो टाइप बताई गई है कि इस तरह के लोग खतरनाक होते हैं। दिस इज द मैन दैट आई सो एन आवर अगो, ये वही वाला मैन है जिसको मैंने एक घंटे पहले देखा था, ये यही वही वाला आदमी है जिसको मैंने एक घंटे पहले देखा था। तो द वन, दैट वन, द सच, द दैट द सेम, इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। ओके, दैट वॉज ब्यूटिफुल, दैट सिंगुलर है लेकिन दूर है, दीज आर अगली प्लूरल है लेकिन पास है, तो दीज का यूज़ किया जाता है। सो ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिनका यूज़ इशारा करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल ही हम देख लेते हैं। आप मिरर में देखते हैं, मिरर में जब आप देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, आपको आपका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, आपको खुद ही दिखाई देते हैं ना, है ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी सेम उसी तरीके से होते हैं, मिरर में देखना ही होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स आर द प्रोनाउन्स वेयर द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन और पर्सन्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स वो प्रोनाउन होते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। अब सब्जेक्ट कौन होता है सेंटेंस में, जिसके बारे में बातें करते हैं या फिर जो भी काम करता है, डॉर होता है, वो सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट उसके काम करने का इफेक्ट जिसके ऊपर होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, राम किक्स द बॉल। अब राम क्या कर रहा है, बॉल को किक कर रहा है। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, किक वर्ब हो गई यानी कि उसका एक्शन हो गया, उसका काम हो गया। अब वो किक किसको कर रहा है, बॉल को कर रहा है। उसके किक करने का इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है, बॉल के ऊपर हो रहा है। उसके काम करने का इफेक्ट बॉल के ऊपर हो रहा है। सो राम के काम करने का इफेक्ट बॉल के ऊपर हुआ, राम सब्जेक्ट, बॉल ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के वर्क करने का इफेक्ट जिसके ऊपर होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर और ऑब्जेक्ट सेम हो, यहां पर तो सब्जेक्ट राम है, ऑब्जेक्ट बोल है, सेम नहीं है। बट ऐसे सेंटेंसेस जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, वो रिफ्लेक्सिव होते हैं। इसी को समझे, अगर मैं कहूं कि राम हर्ट्स हिमसेल्फ, राम हर्ट्स हिमसेल्फ, सब्जेक्ट कौन है, राम है। वो क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है, किसको कर रहा है, खुद को कर रहा है। यानी कि सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, तो वो हो गए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। गॉट इट। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम जो है सेल्फ और सेल्फ्स का यूज़ करके बनाते हैं। सेल्फ का यूज़ सिंगुलर के लिए किया जाता है, सेल्फ्स का यूज़ प्लूरल के लिए किया जाता है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ्स। अगर यू सिंगुलर के लिए यूज़ किया जा रहा है तो योर सेल्फ, और अगर यू प्लूरल के लिए यूज़ किया जा रहा है तो योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, आर सेल्फ्स। ओके, वी बोट आर सेल्फ, सब्जेक्ट कौन है, वी, और हमने काम, वी ने काम क्या किया, बाय करने का काम किया, और खुद से किया आर सेल्फ, यानी कि वी के काम करने का इफेक्ट, हमारे काम करने का इफेक्ट हमारे ऊपर ही पड़ा। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू आर ओल्ड इनफ टू ड्रेस योर सेल्फ, सब्जेक्ट कौन है, यू, और उसके काम करने का इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है, यू, योर सेल्फ, उसके खुद के ऊपर ही हो रहा है। द डॉग, डॉग एनिमल है, एनिमल्स के लिए हम किस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। द डॉग कवर्ड इट सेल्फ, डॉग ने कौन सा काम किया, कवर करने का इट्स काम किया, और किसको कवर किया, खुद को ही कवर किया। सो काम करने का इफेक्ट, सब्जेक्ट के काम करने का इफेक्ट जब उसके खुद के ऊपर ही होता है, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। गॉट इट। यानी कि रिफ्लेक्शन के जैसा जैसा हम मिरर में देखते हैं। अब एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन्स के लिए भी सेम वर्ड यूज किया जाता है, सेम वैसा ही होता है। अभी मिरर वाला ही फिर से एग्जांपल लेते हैं। आप डेली लाइफ में जब मिरर देखते हैं तो आप क्या करते हैं, कॉमिंग करते हैं, चलो ठीक है भाई हो गया। लेकिन जब आप किसी ओकेजन के लिए जाते हैं, सपोज आप मैरिज में जा रहे हैं, जब आप मैरिज में जाएंगे तो अच्छी तरह से कॉमिंग करेंगे, अपने ड्रेस को बार बार चेक करेंगे, यानी कि अपने आप के ऊपर स्ट्रेस देंगे, अपने आप के ऊपर एम्फेसाइज करेंगे कि भाई मैं कहीं से बुरा तो नहीं लग रहा हूँ, बिल्कुल सही तो लग रहा हूँ। मैरिज में अगर मैं जाऊँगा तो मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, अच्छा तो कहेंगे ना, मतलब अपने आप को बड़ा ध्यान से देखते हैं, है ना। तो एम्फेटिक प्रोनाउंस भी सेम वैसे ही होते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस यूज्ड फॉर हाईलाइटिंग, स्ट्रेसिंग और एम्फेसाइज द नाउन और द प्रोनाउन दैट कम्स बिफोर। एम्फेटिक प्रोनाउन जो है हाईलाइट, स्ट्रेस और एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया जाता है, उस नाउन और प्रोनाउन को जो उससे पहले आता है। सी राम हिमसेल्फ,
वी आर सेल्फ्स। अब देखिए आपने रिफ्लेक्टिव भी देखा, एम्फेटिक भी देखा, दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रिफ्लेक्सिव में आप क्या देखेंगे, रिफ्लेक्शन वहां पर भी दिखाई दे रहा है, यहां पर भी, लेकिन यहां पर जो है वर्ब के बाद आपको दिखाई देगा, ओके, और वहां पर जस्ट डायरेक्ट जो है उस नाउन और प्रोनाउन के बाद आपको दिखाई देगा, यानी कि यहां पर आप इसको एम्फेसाइज कर रहे हैं। सेम वर्ड यूज किया जा रहा है, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, सेम वर्ड यूज किए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर जोर दिया जा रहा है। ओके, चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज आपने आपका होमवर्क नहीं किया है तो आपकी टीचर जो आपके नोटबुक पर नोट डाल देती है, कंप्लीट योर वर्क, यू हैव टू कम्प्लीट योर वर्क। ठीक है, अब ये कम्प्लीट वर्क करने के लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने ब्रदर सिस्टर की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन जब आपकी टीचर कोई इस तरह से नोट डाले कि यू योर सेल्फ हैव टू कम्प्लीट योर वर्क, तो उस सिचुएशन में आपको ही आपका वर्क कम्प्लीट करना होगा, क्योंकि वहाँ पर एम्फेसाइज किया गया है कि आपको ही, यू योर सेल्फ, आपको खुद से ही वो काम करना है। ओके, तो जहां पर एम्फेसाइज यानी कि स्ट्रेस दिया जाता है वहां पर एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। उसके भी नेम से ही हमें पता चल रहा है, यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो रिलेशन को शो करते हैं, ये प्रोनाउंस जो है, रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू लिंक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट में लिंक, आपस में ज्वाइन, यानी कि आपस में उनका रिलेशन शो करने के लिए यूज किया जाता है, इनको टू सेंटेंसेस ज्वाइन करने के लिए भी यूज किया जाता है, टू क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए भी यूज किया जाता है। हम ऑफनली जो है रिफ्लेक्स रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कब करते हैं, वी ऑफन यूज देन व्हेन वी नीड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन। जब भी हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को ऐड करना होता है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, हु, विच, हुम, दैट, हुज, who, which, whom, that, whose, whatever, whoever, whomever, whichever, ये सभी जो है relative pronouns होते हैं। See this example, this is the lady who helped me, ये जो है two clauses को, sentences को add कर रहा है, this is the lady who helped me, और ये who word जो है हमें lady के बारे में और information दे रहा है कि ये वो lady है जिसने मेरी help की, उसके बारे में और ज़्यादा elaborate कर रहा है। this is the book That my mother wrote, ये वो बुक है जो मेरी मदर ने लिखी, यानी कि हम बुक के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। She will be happy whatever you give, तुम चाहे कुछ भी उसको दो वो खुश ही हो जाती है, यानी कि वो कंडीशन के बारे में बता रही है कि उसके खुश होने की कंडीशन क्या है। कंडीशन भी एक नाउन होता है ना, हमने अपने पिछले पार्ट में पढ़ा भी था नाउन्स के बारे में जब हमने किया था, तो कंडीशन भी एक नाउन होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। सो वो कंडीशन के बारे में बता रहा है कि उसकी हैप्पीनेस की कंडीशन क्या होगी, चाहे उसको कुछ दे दो ये उसकी हैप्पीनेस की कंडीशन होगी, वो उसी में खुश हो जाती है। सो हु, दैट और वेट एवर, ये जो है एग्जैक्ट उन्हीं नाउन और प्रोनाउन के बाद आए हैं जिसके बारे में इलेबोरेट कर रही हैं हम, जिसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सो रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में लिंक करते हैं, ज्वाइन करते हैं, आपस में रिलेट करते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव मीन्स ऐसे प्रोनाउन जो क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन्स आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। द इंटरोगेटिव प्रोनाउन्स आर सेम वर्ड्स, हु, वो, व्हाट, हूज, हुम, विच, हुएवर, वट एवर, विच एवर, हुम एवर, सेम वर्ड जो हमने रिलेटिव प्रोनाउन में यूज़ किए थे वही होते हैं, बट इनका यूज़ वर्ब से पहले किया जाता है या फिर नाउन से पहले किया जाता है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में इनका यूज़ नाउन के बाद किया जा रहा है, लेकिन इंटरोगेटिव में इनका नाउन से पहले और वर्ब से पहले यूज़ किया जाता है। हु इज़ एट द डोर, वट आर यू डूइंग, वट इज़ योर नेम, हुज ड्रेस इज दिस, हुज पेन इज दिस, हुज पेंसिल इज दिस, whom ever should Tom invite. So these are the interrogative pronouns which are used to ask questions. Next one is indefinite pronoun. Indefinite, जो डेफिनेट नहीं होते हैं, जो स्पेसिफिक नहीं होते हैं। सो एन इनडेफिनेट प्रोनाउन रेफर्स टू एन इनडेफिनेट और द जनरल पर्सन और द थिंग्स। इनडेफिनेट और जनरल पर्सन के लिए यूज किया जाता है। वी यूज देम व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट नीड टू बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई। उनको कब यूज करते हैं, जब किसी पर्सन को, प्लेस को, थिंग को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। मीन्स हमें जब पता ही नहीं होता है कि किसने ये काम किया,
यानी कि जब हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं, सपोज आपकी विंडो का ग्लास किसी ने तोड़ दिया है, तो यू विल से कि समवन हैज़ ब्रोकन द ग्लास ऑफ द विंडो, और आपको नहीं पता है कि वो किसने तोड़ा है, बट हाँ किसी ने तो वो काम किया है ना, लेकिन किसने किया है दैट वी डोंट नो, वो इनडेफिनेट हो गया, यानी कि यहाँ वहाँ पर हमने उसको स्पेसिफाई नहीं किया है। तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? ऑल, एनी, ईच, एवरीवन, फ्यू, समबडी, नोबडी, एनीवन, समथिंग, नथिंग, मैनी, दीज आर इनडेफिनेट प्रोनाउन। सी, मोस्ट वेल्थ इज हेल्ड बाय सेलेक्ट फ्यू, कुछ ही लोगों के द्वारा, कुछ ही लोगों के द्वारा, लेकिन कौन से वो लोग हैं हमें नहीं पता है, स्पेसिफिकली यहाँ पर नहीं बताया गया कि कौन से वो लोग हैं। एवरीवन इज हियर, हर कोई यहाँ पर पहले से ही था, हर कोई में कौन कौन इंक्लूड है वो भी स्पेसिफाई नहीं किया है। समबडी हैज़ ब्रोकन द ग्लास ऑफ द विंडो, किसी ने विंडो का ग्लास तोड़ा है, लेकिन किसने तोड़ा है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है। सो इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो हैं किसके लिए, जनरल पर्सन्स और थिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर किसी को स्पेसिफाई नहीं किया जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर द प्रोनाउन दैट डिस्क्राइब मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली नॉट कलेक्टिवली, जहाँ पर किसी ग्रुप के मेंबर्स को सेपरेटली डिस्क्राइब किया जाता है, ना कि कोलेक्टिवली, यानी कि पूरे ग्रुप को डिस्क्राइब नहीं किया जाता है। सपोज आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है, सो ईच स्टूडेंट हैज़ टू ब्रिंग देयर लंच बॉक्स, ईच स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर एक स्पेसिफिकली हम कर रहे हैं, ईच ऑफ द गर्ल गॉट अ मेडल, हर एक गर्ल को मेडल मिला है, किसको, हर एक गर्ल को मेडल मिला है। एवरी वन लव्स फ्लावर, हर कोई फ्लावर्स को लव करता है। नन ऑफ द फोर आंसर्स इज करेक्ट, चारों में से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, कोई भी आंसर सही नहीं है। सो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट में क्या होता है, कलेक्टिवली हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर चारों आंसर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक की कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी अलग अलग हम सबके बारे में बात कर रहे हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जहाँ पर किसी ग्रुप के मेंबर्स को कलेक्टिवली नहीं बल्कि सेपरेटली उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एवरीवन, नोर, नो वन, एनी, एटसेट्रा। शी कैन नाइदर सी टीवी नॉर प्ले, वो तो ना टीवी देख सकती है ना ही प्ले कर सकती है, यानी कि दोनों में से टीवी देखना और प्ले में से दोनों एक्टिविटीज़ की अलग अलग हम बातें कर रहे हैं, दोनों की कलेक्टिवली बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो जहाँ पर सेपरेटली बताया जाता है ग्रुप के मेंबर्स के बारे में, या फिर टू या थ्री थिंग्स में से सेपरेटली किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ द प्रोनाउंस एंड दिस ऑल अबाउट द प्रोनाउंस। आई होप यू गोट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द प्रोनाउन। प्लीज़ टेल मी इन कॉमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।